पीएम मोदी से डरी कांग्रेस अब मोदी पर नहीं साधेगी निशाना। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने बदली रणनीति, मोदी पर निशाना साधकर खुद फंस जाती है कांग्रेस। कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। राहुल गांधी को मिली सजा का असर अब कांग्रेस पार्टी पर भी दिखाई देने लगा है। चार साल पहले 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जो टिप्पणी की उससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। दो साल की सजा सूरत कोर्ट ने अलग से दे दी। ऐसे में अब कांग्रेस पीएम मोदी के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पीएम को घेरने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन उन पर टिप्पणी करने से पहले शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान दे रही है। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पीएम मोदी पर सीधा निशाना नहीं साधेगी। पार्टी का पूरा चुनाव अभियान स्थानीय मुद्दों पर रहेगा। बसवराज बोम्मई की सरकार में कुछ गड़बड़ियों पर ही पार्टी फोकस रखेगी। सिर्फ राहुल गांधी डायरेक्ट पीएम मोदी पर निशाना साधेंगे और शायद इस बार वो भी बेहद संभले अंदाज में पीएम मोदी को घेरते हुए नजर आएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी की छवि विपक्ष के ऐसे नेता की बना दी जाए जो पीएम मोदी से ना तो डरता है और ना ही पीएम के आगे झुकता है, जो नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर लेने की ताकत रखता है। राहुल को लेकर कांग्रेस कई मोर्चों पर काम कर रही है और लंबे समय के बाद किसी एक राज्य में राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए कई रैलियों की तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कर्नाटक में राहुल गांधी की 15 से ज्यादा रैलियां हो सकती हैं। रैलियों की सफलता को देखकर इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा प्रियंका गांधी को भी कर्नाटक चुनाव में उतारा जाएगा। लंबे समय बाद कांग्रेस में ऐसा चुनाव दिखाई देगा जब राहुल और प्रियंका दोनों किसी एक राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां करते दिखाई देंगे, लेकिन रैलियों में स्थानीय मुद्दे ही छाए रहेंगे। पीएम मोदी पर निशाना साधने से बचा जाएगा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अगर हम मोदी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो उसे कुछ और ही समझ लिया जाएगा और चुनावी तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया है और दावा किया है गुजरात चुनाव के दौरान उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया था। पीएम मोदी की जगह कांग्रेस आम जनता से जुड़े मुद्दों पर जोर देगी। भ्रष्टाचार, बढ़ते कीमतों जैसे मुद्दों को उठाने का प्लान बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, घर की महिला प्रमुखों को 2000 रुपए प्रतिमाह, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3000 रुपए प्रतिमाह और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को 10 किलो चावल देने का वादा किया है। पार्टी अपनी गारंटियों और राज्य सरकार की असफलता को ही भुनाने की कोशिश करेगी। इस बीच मानहानि मामले में भी लड़ाई जारी रखने की तैयारी शुरू हो गई है। सूरत की सीजीएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। इस सजा खिलाफ राहुल गांधी ने सिविल कोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। जब तक सजा और दोष सिद्धि पर रोक नहीं लग जाती है तब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी, और अगर 22 अप्रैल तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है तो फिर उन्हें 12 तुगलक लेन का सरकारी बंगला खाली करना होगा जिसमें वो 19 साल से सांसद की हैसियत से रह रहे हैं। यूपीए सरकार के समय उन्हें यह बंगला मिला था। फिलहाल तो कांग्रेस की नजरें कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं और कांग्रेस की उम्मीदें हाल ही में आए तमाम टीवी चैनलों के सर्वे ने बढ़ा रखी है, क्योंकि अधिकांश सर्वे कांग्रेस को बहुमत मिलते या फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने का दावा कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी भी 10 अप्रैल से सत्यमेव जयते यात्रा कर्नाटक के कोलार से शुरू करने वाले हैं। पहले यात्रा 5 अप्रैल को शुरू होनी थी, फिर इसकी तारीख में बदलाव किया गया और 9 अप्रैल की गई, लेकिन इसे फिर बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।